जी सर, जैसे महागठबंधन है ही है और जब भाई बहुमत मिलेगा उनको, मत मिलेगा लोगों का, तो नेता भी चुना जा सकता है, चुन भी लेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो आपको एक दो मिनट की स्टोरी, हम आपका समय लेंगे, दो मिनट की स्टोरी सुनाते हैं। जंगल का राजा शेर हुआ करता है, सबको मालूम है, शेर के पास पावर रहती है, ताकत रहती है। तो एक बार जंगल में चुनाव हुआ और ये तय किया गया कि जंगल में अग्नि राजा शेर बनाने के बजाय बंदर को बनाया जाए। बंदर पानी में भी तैर लेता है थोड़ा बहुत, पेड़ पे भी चढ़ जाता है और ज़मीन पे भी चलता है और फुर्तीला भी होता है बहुत। तो सब लोगों ने तय किया कि भाई बंदर को भी अग्नि राजा बना के देख लो, हो सकता है प्रजा और ज़्यादा सुखी हो जाए, क्योंकि शेर तो अपनी प्रजा को ही मार के खा जाता है, उसका स्वभाव है। तो सब लोगों ने तय किया कि बंदर को राजा बनाया है और बंदर को राजा बनाया गया। और उसके बाद हुआ ये कि एक दिन बकरी का बच्चा शेर दबोच ले गया, तो अब प्रजा तो बकरी ठहरी, प्रजा गई उसके बाद राजा के पास, बंदर के पास, कि भाई बंदर देखो राजा साहब, ये हमारा बकरी का बच्चा जो है, हमारा बच्चा जो है शेर ले जा रहा है और शेर ले जा रहा है, ये अभी खा जाएगा उसे। तो बंदर को कुछ और न सूझा, बंदर अपने स्वभाव के अनुसार इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, पूरे जंगल में उसने उथल-पुथल कर दी। न तो शेर से जाके उसने बात करी जाके और न बकरी को बचाने की, बच्चे को बचाने कोई कोशिश करी। बकरी बहुत परेशान हो गई, तो नहीं राजा साहब आप ये कर क्या रहे हो, पेड़ों पेड़ों पे कूद रहे हो इधर उधर, हमारा बच्चा तो मर जाएगा अभी। तो नहीं बहन, आप ये बताओ, मेरी मेहनत पे तो कोई कमी नहीं रही है, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। अब बकरी के वो अलग बात है कि मैं शेर से टक्कर नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो यही हाल आज की डेट में विपक्ष का है। वो नेता अपना कोई तय कर भी लेंगे तो नेता को ये नहीं मालूम है कि हमें करना क्या है, अपना विपक्ष के जो और नेता है उनके साथ हमें बैठना है या हमें सत्ता का उपयोग करके, क्योंकि उनके पास कोई उपाय। महागठबंधन में तीन तीन बार राज्य सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जैसे नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल तो मान के चलिए भाई जीरो से खड़े हुए, दो तीन राज्यों में, दो राज्य में उनका सरकार हो गया, ममता बनर्जी जी लगातार जो है मुख्यमंत्री हैं। इनके पास सबके पास अपनी अपनी सीटें कितनी हैं, अपनी अपनी सीटें तो इनकी लिमिटेड है ना। और इसके बाद आने वाले जो पीछे के जो चुनाव रहा है उनमें इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, अगर इनके पास कोई विचार होते वास्तविकता में जनता को लाभ पहुँचाने वाले या देश को लाभ पहुँचाने वाले, देश को मजबूत बनाने वाले, तो शायद ये सत्ता में कहीं ना कहीं बैठे होते। इनके पास विचार नहीं है, इनके पास कोई अपने ऐसा मजबूत दावा नहीं है जिसकी वजह से ये सत्ता में आ सकें, और अगर ये ऐसा कर पाएंगे तो उसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही जनता है जिन्हें इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, और वही जनता है जिसने इन्हें पता लगा कि 10 सांसद भी नहीं दे पाए। तो जनता है, जनता को अच्छा लगेगा तो सत्ता में बैठा लेंगे, जनता को अच्छा नहीं लगेगा सत्ता से बाहर कर देंगे। सत्ता से बाहर कर दिया, वही भाजपा है जो एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी वाले समय पर 13 दिन के लिए सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट के लिए गिरा दिया था और भाजपा ने स्वीकार किया था। ये तो गिरने के बाद भी घुटनों चलने के लिए तैयार है लेकिन गिरने को तैयार नहीं है। तो बहुत अंतर है दोनों की विचारधारा में। आज की डेट में भाजपा विचारधारा की पार्टी है, भाजपा के शासन में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए बहुत अच्छी छवि बन सकती है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। आज की डेट में यही विपक्ष नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने के लिए मना कर रहा था, 250 लोगों ने साइन करके और अमेरिका में भेजा हुआ था कि इनको अमेरिका का वीजा न दिया जाए। वही अमेरिका आज की डेट पलक पांवले बिछाकर रेड कार्पेट पर इनका स्वागत कर रहा है। तो ये अंतर है दोनों की विचारधारा का, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, आज की डेट इंडिया की तरफ सभी मुंह ताक रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए कुछ अच्छा बोल जाता है। ये ताकत है, ये ताकत है एकता की, ये ताकत है अच्छी विचारधारा की, और बिना विचारधारा के कोई सत्ता में आना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।